नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा होता है मंदिर के अंदर और इसमें रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और इसी के बाद तमाम तरह के सवाल जो वर्तमान सरकार है मध्य प्रदेश में शिवराज की उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में हुई 36 मौतों से शहर शोक में डूबा है। हादसे के तीसरे दिन शनिवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने नगर निगम और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। घायलों और उनके परिजनों ने बताया कि हादसे के 2 घंटे बाद तक कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। कलेक्टर और आईजी ऐसे घूमते रहे जैसे वो टाइम पास कर रहे हो। नगर निगम कुछ नहीं कर सका। शाम 5:30 बजे NDRF की टीम बुलाई गई। देखिए खास वीडियो जिसमें कमलनाथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माण की नोटिस जमा दिए गए जवाब से। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सबको डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या कहा, परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई। और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर ज़िले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुँच जाए। या हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं। और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, शर्म की बात है। प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वो बताएंगे कि उसके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी सोचते हैं, अभी ये सब बात आप सबके सामने कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारी बात नहीं सुनी। शिवराज जी सोचते हैं कि केवल इवेंट आपके मीडिया के सामने आ जाए, 2 लाख बोल दे और मामला खत्म, और मुआवजा दे दो, मुआवजा से सब कुछ साफ। इस मामले में बात की थी आपने शिवराज जी से? मेरी बात नहीं हुई शिवराज जी। सर, 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 आम जनता गवाह है, मेरे को कहने की बात नहीं है। जो जनता ने मुझे कहा है मैं वो बात कह। सर, कोई बड़े अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? लकड़ी उसको लड़ना है 20 फीट, जबकि 90 फीट का मंदिर है। कोई रिस्क नहीं आया। 2 घंटे तक कलेक्टर और आईजी साहब ऐसे घूमते रहे जैसे टाइम पास कर रहे थे। वो 5:30 बजे NDRF की टीम आई है। रस्सी टूट गई सर, उसकी ऊपर खींच रहे हैं रस्सी से, तो रस्सी टूट के नीचे गिर गई। तो देखा आपने कि घायलों से मुलाकात के बाद कमलनाथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बावड़ी में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, इससे भयानक बदबू आ रही थी। नीचे गैस बन गई थी जिससे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अंदर काफ़ी पानी पहले से मौजूद था जिसमें कई महिलाएं और बच्चे डूब गए। कुछ लोग कीचड़ में फंस गए। रस्सी के सहारे लोगों को ऊपर खींचने की कोशिश की गई लेकिन रस्सियाँ टूट गईं। कमलनाथ ने कहा कि इंदौर को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इस हादसे ने इंदौर की हकीकत को उजागर कर दिया है। हमारी सरकार आने के बाद हर ज़िले में रेस्क्यू रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाएगी जो किसी भी हादसे की सूरत में 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाएगी। एक महिला ने कमलनाथ से कहा कि बावड़ी से कुछ लोगों को निकालने के लिए पहले नगर निगम को बुलाया, फिर वो लोग जब नगर निगम वाले नहीं निकाल पाए तो भोपाल से टीम बुलाई गई, जब वो भी कुछ नहीं कर पाई तो तब जाकर कहीं मऊ से NDRF की टीम को बुलाया गया। प्रशासन ने पहले क्यों नहीं बुलाया, ये बड़ा सवाल है। कमलनाथ ने कहा कि घटना बेहद दुखद है, विडंबना है कि RBB घटना के 12 घंटे बाद पहुंचती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों में ज़बरदस्त आक्रोश है। मंदिर परिसर की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था लेकिन उसे हटाया नहीं गया। पीड़ितों ने जो भी मांग रखी हैं, जो भी बातें कही हैं, उसको लेकर पहले हम राज्य सरकार के पास जाएंगे। 7 दिन का समय दे रहे हैं, अगर सरकार इनकी नहीं सुनती तो फिर हम कोर्ट की शरण में जाते हुए दिखाई देंगे। अब आपको क्या लगता है कि कमलनाथ जो है वो चुनाव से पहले सियासी राजनीति कर रहे हैं या फिर वाकई में जो पीड़ित परिवार है उनका पक्ष रख रहे हैं और शायद इंसाफ दिलाने में थोड़ी आसानी वो कर सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।